और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, जय बाग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिव शंकर की भक्ति में लीन होने का सबसे पावन महीना श्रावण की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसी मान्यता है कि हम नंदी के कान में जो भी मुराद मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। दर्शन कराने जा रही हूँ पटना शहर के गाय घाट में स्थित गौरी शंकर मंदिर की, जहाँ शिव और पार्वती एक साथ विराजमान है। विश्वास जुड़ा हुआ है। वर्तमान में यह मंदिर बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद द्वारा संचालित किया जा रहा है। मंदिर परिसर में शिव नंदी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। मंदिर में एक बाबा जी का समाधि स्थल भी है। बाबा जी ने भी इस मंदिर में अपनी सेवाएं प्रदान की थी, हालांकि उनके नाम के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। भगवान शिव का यह मंदिर गायघाट गुरुद्वारे के बिल्कुल पास स्थित है। भगवान श्री राम की कथा भक्ति शिव सेवा कर फल सुख सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। इस मंदिर में विवाह, रुद्राभिषेक, सत्यनारायण पूजा के साथ साथ कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान काफी कम दरों में करवाए जाते हैं। गौरीशंकर महादेव मंदिर अति प्राचीन मंदिर है। उनका इतिहास कोई आज तक पता नहीं लगा पाया। अंग्रेज के जमाने में भी इसको तोड़ने के लिए लोग आए, गोली भक्त बरसा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ मधुमक्खी के पोता लगा हुआ था जो सबको अंग्रेज को चढ़ाई कर करके तो सबको भगा दिया गया। उनके बारे में क्या आदम राय, तीनों 400 वर्ष पहले
ये प्राचीन मंदिर है, ये अपने आप यहाँ प्रकट हुए हैं, उनके बारे में क्या कहें। सावन के सोमवारी को लेकर हम लोग एक महीना यहाँ राम कीर्तन का आयोजन किया जाता है, सजावट डेकोरेशन हर सोमवारी को श्रृंगार होता है, बाबा का भंडारा होता है, अनेकों भक्त आकर के बाबा का प्रसाद ग्रहण करते हैं। आरती का समय आपका सुबह में 4 बजे भोर में मंगला आरती का कार्यक्रम होता है, फिर उसके बाद 9 बजे होता है, फिर दोपहर में होता है 12-1 के बीच में, फिर शाम को होता है 8:30 के बीच में।